Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Roshan's Study Point. Today I will explain you class 12th Flamingo book ki poem Keeping Quiet, जिसके author है Pablo Neruda. जो mainly इस चीज़ हमें इसमें जो बताई गई है, आप वो poem की जो title है उससे समझ सकते हैं. Keeping Quiet, Keeping and Quiet इसमें क्या है, हमें शांत रहने के लिए बोला गया है कुछ टाइम के लिए. जो poet है उसमें हमें quiet, हमें वो बताना चाहते हैं कि अगर हम कुछ टाइम के लिए क्वाइट हो जाएंगे तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, वो हमें इसमें बताते हैं जो हमारे पोएट है पैब्लो नेरुडा. वो हमें स्टार्टिंग में, जो पोएम के स्टार्टिंग में बोलते हैं कि मैं 12 तक काउंटिंग करूँगा, मैं चाहता हूँ कि कुछ सेकेंड के लिए, सिर्फ एक सेकेंड के लिए, जो सारे अर्थ के लोग हैं वो साइलेंट हो जाए, एक जगह रुक जाए, वो जिस भी जगह से है वहाँ की लैंग्वेज ना बोले, कुछ भी ना करे, बस वो शांत हो जाए, कोई मूवमेंट ना करे, कुछ ना करे. और तो हमें बताते हैं कि अगर ऐसा होगा कि लोग एक जगह स्थिर हो जाएंगे, रुक जाएंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, तो ये एक तरह का अट्रैक्टिव मूवमेंट बन जाएगा, जहाँ पे कोई रश नहीं होगा, कोई मशीनरी नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा, सभी लोग सिमिलर लुक, सिमिलर लगेंगे, एक जैसे लगेंगे, सारे के सारे लोग, भले वो किसी कंट्री से हो, किसी भी जगह से हो. जैसे हम अलग अलग कंट्री से हैं, हम अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उससे हमें ये एक एक आइडेंटिटी मिल जाती है कि हम इस जगह से हैं, उस जगह से, बट सभी लोग एक साथ साइलेंट हो जाएंगे, कहीं पे कोई नॉइज़ नहीं होगी, कुछ पता नहीं चलेगा, तो हम हैं तो ह्यूमंस ही, और ह्यूमंस बींग्स तो एक ही जैसे होते हैं, बट हम लैंग्वेज के हिसाब से एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं कि हम इस कंट्री से हैं, इस कंट्री से हैं. बट जब सारे लोग साइलेंट हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, सारे एक जैसे लगेंगे. तो पोएट हमें यही बताना चाहते हैं कि सभी लोग अगर शांत हो जाएंगे तो सब एक जैसे लगेंगे, कोई अपनी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेगा, ये एक अट्रैक्टिव मूवमेंट बन जाएगा, पोएट हमें बताना चाहते हैं. फिर आगे पोएम में जो पोएट होती है वो फिशरमैन के बारे में बोलते हैं कि जो फिशरमैन है वो कुछ टाइम के लिए रुक जाए, वो लोग भी रुक जाए जो वो फिशिंग कर रहे हैं, बहुत सारी फिश को परेशान कर रहे हैं, वो सब करना बंद कर दे. साथ ही साथ जो ओशन के किनारे जो शेल्ट मेकर्स है, शेल्ट वर्कर्स है, वो भी रुक जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत खुद को हार्म कर लिया अपने हाथों को शेल्ट बनाने की वजह से. तो जो पोएट होते हैं वो इन लोगों को भी रुकने के लिए बोलते हैं कुछ टाइम के लिए. फिर वो बोलते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हम जो ये वॉर कर रहे हैं, हम गैस के लिए वॉर कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनका यूज़ कर रहे हैं, इससे क्या होगा, अगर तुम वॉर करोगे और तुम जीत भी जाओगे तो कौन होगा तुम्हारे साथ, इसको इंजॉय करने के लिए कोई भी सर्वाइवल नहीं बचेगा. पोएट हमें बताते हैं ये सब चीज़ें. फिर आगे बताते हैं कि हम ये जो ग्रीन वॉर कर रहे हैं, हाँ भले ही हम ये सोशल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, बट उसके बाद भी इसका नतीजा क्या निकल रहा है, जो धीरे धीरे जो ट्रीज़ है हम उसको काट रहे हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स लगा बना रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कुछ ज़्यादा ही इफ़ेक्ट हो रहा है, और वो जो इफ़ेक्ट होगा वो फिर वापस हम पर ही आएगा. पोएट फिर आगे बताते हैं कि मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड के सभी लोग हैं वो एक बार के लिए एक साथ क्लीन क्लोथ्स पहन के एक साथ लाइन में हम ब्रदर्स की तरह चल सकते हैं शेड में शांति के लिए. फिर वो बताते हैं कि जो पावरफुल पीपल्स होते हैं वो उनको मना कर रहे हैं कि जो वीक पीपल है, जो कमज़ोर है, वो उनको परेशान ना करे, ये ठीक नहीं है. पोएट इस चीज़ को रोकना चाहते हैं और वो इस चीज़ के लिए पीपल को स्टॉप भी करते हैं, बोलते हैं, बताते हैं कि ऐसा ना करे वो. आगे वो बोलते हैं कि जो हम ह्यूमन है वो हम सिंगल माइंडेड है, हम जो भी काम करते हैं वो अपने लिए करते हैं, हम दूसरों के बारे में नहीं सोचते, और जो भी होता है हम कर लेते हैं, हम ये नहीं देखते कि फ्यूचर पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, या हमारे उसके बाद जो हमने कर लिया उसके बाद उसका क्या जो रिज़ल्ट है वो निकलेगा, हम ऐसा नहीं सोचते हैं, हम सिंगल माइंडेड हैं, हम अपने काम के लिए उस चीज़ को कर लेते हैं, फिर लेकिन आगे चल के वो चीज़ें हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. फिर पोएट होते हैं जो हमें वो साइलेंस की वैल्यू बताते हैं कि अगर हम कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाएंगे तो उसकी क्या वैल्यू होगी. तो उसकी वैल्यू में वो हमें बताते हैं कि अगर हम साइलेंट हो जाएंगे कुछ टाइम के लिए तो हम डीपली थिंकिंग कर पाएंगे जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए, क्या वो काम हमारे लिए ठीक है या नहीं है, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा आगे या अभी क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम उस चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे. और सेकेंड, जो हमें जो हमारी डेथ का फियर होता है कि आज हमारी डेथ आ सकती है, कभी भी आ सकती है, या इन फ्यूचर कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, कल कुछ हो सकता है, आज कुछ हो सकता है, तो जो फियर है हम उसको अपने कंट्रोल में कर सकते हैं.
वो हमें इस चीज से जो साइलेंटनेस है उसकी जो वैल्यू है वो बताते हैं। उसके बाद जो पोएट है वो हमें बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सब अगर साइलेंट हो जाओगे तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको डेड होने के लिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें अर्थ से ये सीखना चाहिए कि जैसे हम कोई सीड्स हैं वो हम जब ज़मीन में लगाते हैं तो वो एक तरीके से ऐसी लगती है कि कोई डेड चीज़ है जिसको हमने दफना दिया है, बट कुछ टाइम बाद जब वहाँ पे कोई प्लांट उगना स्टार्ट होता है, जब वो ग्रो करता है, तब उसे हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में वो हमें डेड चीज़ लग रही थी, बट उसके बाद उसके अंदर जो लाइफ आई है वो कितनी ब्यूटीफुल और कितनी अच्छी है। एंड में पोएट फिर हमें यही बताते हैं कि मैं 12 तक काउंटिंग करूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग साइलेंट हो जाए, आप लोग साइलेंट हो जाओगे उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, और यही भी जो है आपकी पोएम की एंडिंग हो जाती है। जो हमारे पोएट है उन्होंने साइलेंस के जरिए हमें एक इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी वैल्यूबल चीज़ बताई है और इतनी अच्छी तरीके से बताई है, जैसे कि अगर हम कुछ टाइम के लिए साइलेंट होके अपने किए गए काम को एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे, उसको सोचेंगे कि हमने क्या किया है, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, क्या गलती है, तो हम उसके बारे में इतने अच्छे से जो डीपली थिंकिंग है वो कर पाएंगे और हमें ऐसा फील हो पाएगा कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो आगे चल के ठीक है या नहीं है। अभी के लिए वो सिर्फ मेरे लिए ठीक तो नहीं है, जो आसपास के लोग हैं उनके लिए भी ठीक है या नहीं है, और जितने भी फियर्स हैं हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे। और एक तरीका उन्होंने इसमें ये बताया है कि सारे ह्यूमंस एक जैसे हो जाएंगे। अभी हमने डिवाइड कर रखा है कि हम इस कंट्री से हैं, उस कंट्री से हैं, इस कंट्री से, बट अगर हम एक बार शांत हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम सब एक ही जैसे लगेंगे। आपकी पोएम में यही था, आई होप आपको ये